आदरणीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी, राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री लालू प्रसाद यादव जी और सभी लोगों की एक कोशिश थी, एक तरफा तानाशाह रवैया अपनाया जा रहा है, तो इसको देखते हुए एक अहम बैठक पटना में होने जा रहा है। इस बैठक के होने के बाद जो है एक पॉजिटिव रिजल्ट जो है सामने आएगा। नमस्कार, मेरा नाम आलोक है, आप लाइव स्ट्रीम देख रहे हैं। विपक्ष के बड़े नेताओं का महाजुटान राजधानी पटना में होना है 23 जून को। देखिए 12 जून को ये बैठक होनी थी लेकिन सभी नेताओं की सहमति नहीं बन पाई थी, इस कारण से इस बैठक को टालना पड़ा। और अब जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने आपसे कुछ देर पहले इस बात की घोषणा कर दी है कौन कौन से वो नेता पहुँचेंगे। वो इससे पहले वाले वीडियो में आप जाकर देख सकते हैं ललन सिंह ने क्या कुछ बताया है। अब इस वीडियो में आपको सुनाने जा रहे हैं उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने क्या कहा है, क्यों समय की ये मांग थी। ललन सिंह ने भी कटाक्ष किया है। देखिए, नीतीश कुमार ने घूम घूम कर तमाम विपक्षी नेताओं से बात की थी और विपक्ष के नेताओं को एकजुट करना है, 2024 की लड़ाई लड़नी है। अब ऐसे में बीजेपी को कई टक्कर देने के लिए क्या मास्टर प्लान बनेगा 23 जून को, लेकिन तेजस्वी यादव क्या कह रहे हैं, 23 जून को बड़ी बैठक होनी है, जरा सुनिए। साथियों, विषय को राष्ट्रीय अध्यक्ष जनता दल यूनाइटेड के सांसद आदरणीय श्री ललन बाबू जी ने आप लोगों के समक्ष रखा है। कई बातें मीडिया में होकर के आ रही थी लेकिन तिथि अब स्पष्ट हो गया है। 12 तारीख को इंगेज कुछ जो लीडर उनकी अपनी प्रेयर एंगेजमेंट रही, इस वजह से आने में थोड़ी असुविधा थी, लेकिन सबका राय बना कि सब पार्टी के जो हेड हैं वो रहे, उसी तिथि को बैठक जो है बुलाई जाएगी। तो तय हो गया है, वेन्यू जो है वो पटना में है, पटना में एक बड़ी बैठक होने जा रही है और सभी नेताओं ने अपनी सहमति दे दी है। और जो महागठबंधन की सरकार बनी, आदरणीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी, राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री लालू प्रसाद यादव जी और सभी लोगों की एक कोशिश थी कि ज़्यादा से ज़्यादा विपक्ष जो लाइट माइंडेड पार्टीज़ जो हैं उन सब को जो है गोलबंद किया जाए, एक साथ बैठा जाए, रणनीति तय की जाए। तो हमको लगता है कि सभी लोगों का प्रयास इसमें लगा, माननीय मुख्यमंत्री जी खुद, उनके साथ हम खुद कई जगह पर कई नेताओं के साथ हमारी मुलाकात भी हुई और हमको लगता है कि सब लोग एक प्लेटफॉर्म पे आ रहे हैं। तो जो देश के जो हालात हैं, लोकतंत्र पे जिस प्रकार से प्रहार किया जा रहा है, संविधान के साथ छेड़छाड़ किया जा रहा है, मुद्दे की बात नहीं हो रही है, एक तरफा तानाशाह रवैया अपनाया जा रहा है, तो इसको देखते हुए एक अहम बैठक पटना में होने जा रहा है तो एक बड़ी अच्छी खबर है। और हमको लगता है कि इस बैठक के होने के बाद जो है एक पॉजिटिव रिजल्ट जो है सामने आएगा। और बाकी बात तो बैठक होगी, उसके बाद जो है बात आप लोगों से किया ही जाएगा, तो इसीलिए आप सब लोगों को यहाँ आमंत्रित किया गया ताकि आप सब लोगों को हम लोग सूचित कर सकें। तो उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने क्या कुछ कहा है, जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने इस बात की घोषणा की है, बीजेपी पर कटाक्ष भी किया है, उस वीडियो को भी आप जाकर देख सकते हैं लाइव स्ट्रीम के माध्यम से। लेकिन इस वीडियो में हमने आपको दिखाया है तेजस्वी यादव ने क्या कुछ कहा है, कैसे अब जरूरी हो चुका है विपक्षी नेताओं का महाजुटान, काफ़ी ज़रूरी है ये। और अब 2024 के चुनावी मोड में महागठबंधन भी दिख रही है, देखना होगा आने वाले समय में कितना लाभकारी होता है ये विपक्षी नेताओं का महाजुटान और इससे फलाफल क्या निकलता है। नेतृत्व कौन करेंगे, KCR नहीं आ रहे हैं इसमें, नवीन पटनायक भी नहीं आ रहे हैं, लेकिन काफ़ी सारे जो विपक्ष नेता हैं, गैर भाजपाई दल के नेता हैं, वो जुट रहे हैं, खास करके राहुल गांधी भी और मल्लिकार्जुन खड़गे पटना पहुंच रहे हैं। आपने सुना है तेजस्वी यादव ने क्या कहा है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।